Two types of subscriptions are available with you guys for enhancing your preparation with Unacademy. One is the Plus, जिसमें आपको daily classes, weekly test, study material, unlimited access and structured courses मिलते हैं. Whereas in Iconic, आपको Plus के तो सारे benefits मिल जाते हैं. But along with that, you also get personal guidance, study planner, one-on-one live mentoring, personalized test analysis and expert guidance for all the examinations that you are preparing for this year, also for next year. So go for the subscription, guys. The 6-month subscription plans for all the people preparing for CAT this year and OMETs following after CAT, that goes for 16,400 rupees, and 18 months and 24 months of subscription for all the people who are going to prepare for CAT 2022 and all the OMETs that follows after CAT, that goes for 28,550 and 32,800 respectively. Similarly, for Iconic, guys, the 1-year subscription plan goes for 39,500, and all the people preparing for CAT 2022, you guys can go for the 2-year subscription plan, that goes for 59,999. And guys, do not forget to use my educator code, that is RUSHI Rushi, that will give you an additional 10% discount on all your subscriptions. नया सब्सक्रिप्शन भी अनअकैडमी ने आपके लिए लॉन्च किया है गाइस, ओनली टू गिव यू अ लास्ट पुश फॉर योर कैट 2021 प्रिपरेशन. दैट इज द 2 मंथ्स सब्सक्रिप्शन दैट विल गो फॉर 7,000 रुपीज, और उसके ऊपर भी आपको एक्सक्लूसिवली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इफ यू यूज माई एडुकेटर कोड, दैट इज RUSHI रुशी. ये आपको जल्दी करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग अप फ्रॉम 6th ऑफ अक्टूबर. 2 नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 6th ऑफ अक्टूबर से फॉर कैट एंड ओमेट्स 2022 एंड लास्ट माइल फॉर कैट एंड ओमेट्स 2021. सो हरी अप गाइस, जल्दी से जल्दी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को लो. एनरोल टू दिस क्लासेस एंड एनहेंस योर लर्निंग ओनली विद एन अकेडमी. गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लास. दिस इज सेकेंड क्लास अतुल, ये सेकेंड क्लास है. कल हमने सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री को कवर किया था, आज हम लोग एक्सक्लूसिव हरप्पन सिविलाइजेशन को कवर करने वाले हैं. ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. इस सेशन के साथ शुरू करते हैं. जस्ट अ सेकेंड, बस एक मिनट दे देना मुझे. Okay, now this seems pretty good. ये सही दिख रहा है, चलो बढ़िया. So let's start with the session, guys. Harappan civilization is one of the oldest civilization that exists not only in our country but in the world. Okay, पूरे world में Harappan civilization सबसे पुरानी सभ्यता या फिर सबसे पुरानी civilization मानी जाती है. Two sites, okay, पंजाब गुजरात पर दो बड़े sites जो हमें पाए गए हैं एक्सकवेशन के टाइम पर, दैट इज हरप्पा एंड मोहनजोदारो. ओके, हरप्पा और मोहनजोदारो ये उस समय के सबसे बड़े सिटीज माने जाते थे. लेट मी टेल यू गाइस, हरप्पन सिविलाइजेशन वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन. ओके, वो अर्बन सिविलाइजेशन था, बड़े बड़े शहरों में लोग उस समय पर रहा करते थे. ऐसा नहीं था कि गांव एग्जिस्ट नहीं करते थे. देयर यूज्ड टू बी स्मॉल सेटलमेंट्स विद इन द पीपल, बट बड़े सेटलमेंट्स वर मेजरली हरप्पा एंड मोहनजोदारो, जो वेस्ट पंजाब में है और जो सिंध में है. बोथ द प्लेसेस आफ्टर पार्टीशन दैट हैज नाउ वेंट इनटू पाकिस्तान. मतलब पाकिस्तान को इंडिया की तरफ से एक कल्चरल हेरिटेज जो है, ओके, कल्चरल हेरिटेज गिफ्ट में मिला है. ओके, तो पहले वो इंडिया में हुआ करता था, अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ करता था, बट कल्चरल हेरिटेज ऑफ मोहनजोदारो एंड हरप्पा, विच आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ सिविलाइजेशन, वो पाकिस्तान में चला गया है. ऐसा नहीं है कि इंडिया में साइट्स नहीं है. इंडिया में ऑब्वियसली उसके साइट्स है. सम पार्ट्स ऑफ इट आर देयर इन पंजाब, सम पार्ट्स ऑफ इट देयर इन राजस्थान, सम पार्ट्स ऑफ देयर इन गुजरात ऑल्सो. तो इंडिया में भी उस टाइम के सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली का जो सिविलाइजेशन है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है. ओके, तो बोथ द प्लेसेस आर नाउ इन पाकिस्तान. द फाइंडिंग्स इन दिस टू सिटीज वर ब्रॉट इन टू लाइट अ सिविलाइजेशन. It was first called as, okay, it was first called as Indus Valley Civilization. Okay, Indus Valley Civilization kaha jata tha, but it was later named as the Indus Civilization due to discovery of more and more sites far away from the Indus Valley. So, sirf aur sirf civilization jo hai, wo Indus Valley
कि यहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता था, इट वॉज वाइड स्प्रेड. ओके वाइड स्प्रेड, इट ऑल्सो टू बी कॉल्ड एज हरप्पन सिविलाइजेशन आफ्टर द नेम ऑफ इट्स फर्स्ट डिस्कवर्ड. ये इंडस सिविलाइजेशन जो है, ये सबसे पहली बारी जॉन मार्शल ने इसका नाम दिया था. ओके जॉन मार्शल, ओके जॉन मार्शल कॉइंड द टर्म इंडस सिविलाइजेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन. ये टर्म जो है वो जॉन मार्शल ने सबसे पहले दिया दिया गया था. ओके सो ये है इंट्रोडक्शन पार्ट गाइस हरप्पन सिविलाइजेशन का. आगे चलते हैं, यू सी दिस इज द एक्सटेंट. ओके ये एक्सटेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का. तो यू यू कैन सी सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र और ऑल्सो कवर्ड हियर, फिर सम पार्ट्स ऑफ गुजरात. ओके गुजरात का भी कुछ पार्ट कवर है, राजस्थान का भी कुछ पार्ट कवर है. देन यू कैन सी पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू एंड कश्मीर है. देन सम पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान ऑल्सो वी कैन सी. पाकिस्तान में मेजोरिटी ऑफ द सिविलाइजेशन अभी जो साइट्स है उस समय पर एग्जिस्ट करते थे, या फिर आज भी हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज द एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. ओके ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंट है. इट इज कॉल्ड इंडस वैली बिकॉज आप देख सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर रिवर, ओके इंडस जो रिवर है इसके अलोंग साइड ही मेजोरिटी सेटलमेंट हुआ करता था. इंडस सरस्वती, ओके इंडस और सरस्वती के इस पे ही रिवर बैंक्स में ही वो सेटलमेंट हुआ करता था. वेरा सरस्वती पर 80% सेटलमेंट एग्जिस्ट करता था तब. ओके सरस्वती के रिवर बैंक्स पर 80% सेटलमेंट एग्जिस्ट करता था. नाउ व्हाई मेजोरिटी ऑफ द सिविलाइजेशंस एट दैट पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलरली बिलोंग्ड और दे स्टेड ऑन द रिवर बैंक्स ओनली, क्योंकि उस समय पर लोग प्राइमरी ऑक्यूपेशन बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, या फिर प्राइमरी एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, जैसे कि एग्रीकल्चर. ओके एग्रीकल्चर है, या फिर एनिमल हस्बेंड्री है, ऐसे ऐसे एक्टिविटीज में ज्यादा इंडल्ज हुआ करता था. तो ऐसा नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर मोहनजोदारो या फिर हरप्पा में ट्रेड या फिर अलग तरह के एक्टिविटीज नहीं होते थे. ऑब्वियसली नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल स्टेड ऑन द रिवर बैंक्स बिकॉज वी ऑल नो वाटर इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट फॉर ह्यूमन लाइफ कैरिंग आउट वेरियस एक्टिविटीज, इसीलिए वो लोग उसी इस पर हुआ करते थे. ओके तो ये है एक्सटेंट. ओके ये ज्योग्राफिकल मैप पे आप देख सकते हैं सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, सम पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, फिर पाकिस्तान का भी सिंध का जो पार्ट है, वेस्ट पंजाब वाला जो पार्ट कंसिडर करते हैं हम, मुल्तान, उसमें भी मेजोरिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट होता था. ओके नाउ दीज आर सम इम्पोर्टेंट साइट्स. ओके ये आपको याद रखने ही है, मतलब रखने ही है. सारे साइट्स आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. इवन इफ यू रिमेम्बर कपल ऑफ देम, जो बड़े बड़े सिटीज है या फिर बड़े बड़े साइट्स है उनको आपको याद रखना है. कभी कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कोट दीजी विच इज इन सिंध, कलीबंगन विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हरप्पन सिविलाइजेशन साइट्स विच इज इन राजस्थान, रूपर इन पंजाब, बानवली इन हरियाणा, लोथल सुरकोटड़ा. नाउ लोकल लोथल वाज वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट पोर्ट्स नोन टू ह्यूमन काइंड. और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन एक दो बारी पूछे गए हैं कि विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन. द आंसर इज लोथल. ओके लोथल है, सुरकोटड़ा है, एंड फिर डॉलावीरा. ओके ऑल ऑफ देम आर देयर इन गुजरात. सारे के सारे जो है वो गुजरात में है. लार्ज सिटीज वर अप्रोक्सीमेटेड इन 100 acres इन साइज. तो जैसे मैं आई एम सॉरी गाइस, जैसे मैंने कहा था कि बिकॉज ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ एकर्स इन साइज मोहनजोदारो, ओके मोहनजोदारो और हरप्पा, ये जो दो बड़े साइट्स है, ओके ये जो दो बड़े साइट्स है, दीज वर कंसिडर्ड एज अर्बन सेटलमेंट्स. ओके अर्बन सेटलमेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है गाइस, वेरी इंटरेस्टिंग. अगर आप सही मायने में उसको पढ़ते हो या फिर उसको इमेजिन भी करते हो कि हाउ पीपल एट दैट पर्टिकुलर टाइम लिव्ड देयर लाइफ, यू विल रियली बी अमेज्ड कि दे वर सो अहेड ऑफ दैट टाइम. ओके इवन दो दे वर इन द प्रिमिटिव एज, या फिर वो प्रिमिटिव टाइम में एग्जिस्ट किया करते थे, समवेयर अराउंड 2500 BC टू 1750, विच इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड टाइम फ्रेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. सही में इट इज वेरी फैसिनेटिंग
टू थिंक कि वो लोग कितना अहेड ऑफ टाइम रहा करते थे अपने. वी विल पर्टिकुलरली डिस्कस सब्सिक्वेंटली इन द लेक्चर. ओके, आगे आगे हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे. काव्या, कैन आई टॉक टू यू अबाउट दिस एग्जाम? रोहित, मुझसे बात करो दिस एग्जाम के बारे में. व्हाट इंफॉर्मेशन यू नीड अबाउट TISS आई विल प्रोवाइड यू. यू कैन पिंग मी ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप. ओके, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे जरूर पिंग करना, मैं आपको सारी 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 इंफॉर्मेशन बता दूंगा. ऑल्सो एक्स्ट्रा मैं आपको गाइडेंस भी दे दूंगा. ओके, आई विल गिव यू द गाइडेंस ऑल्सो फॉर वट एवर प्रोग्राम यू आर सीकिंग अंडर TISS. ओके, चलो बढ़िया है. सो दिस इज दीज आर द इम्पोर्टेंट साइट्स. मोहनजोदारो इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द इंडस सिटीज एंड इट इज एस्टिमेटेड टू हैव स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 200 acres. ओके, 200 acres पर पूरा वो सिटी जो है. यस, हाय समीर, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास. बहुत दिनों के बाद मिले आप भी. सो 200 acres पर पूरा मोहनजोदारो जो है वो स्प्रेड आउट हुआ है. ऑलराइट, ये क्लियर है सब लोगों को? इज दिस थिंग क्लियर? इज दिस थिंग क्लियर विथ एवरीबडी? ओके एवरीबडी, सब लोगों को ये क्लियर है इंपॉर्टेंट साइट्स? ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन. ओके, इसका ओरिजिन और एवोल्यूशन क्या है देखते हैं. नाउ पर्टिकुलरली अगर हम हरप्पन सिविलाइजेशन को डिवाइड करते हैं या फिर क्लासिफाई करते हैं, वी कैन डिवाइड द हरप्पन सिविलाइजेशन इनटू 4 different parts. ओके, क्योंकि हर एक सिविलाइजेशन का हम लोग देखते हैं देयर इज अ साइकिल. ओके, हर एक सेटलमेंट का, हर एक सिविलाइजेशन का एक साइकिल होता है. दैट इज इट इट्स इट्स फर्स्ट इज अ प्री एग्जिस्टिंग एरा, फिर वो अर्ली इसमें चला जाता है, फिर ग्रोथ स्टेज में चला जाता है, मेच्योर होता है, फिर वो लेट इसमें या फिर डिक्लाइन इसमें चला जाता है. सो पर्टिकुलरली वी कैन स्टडी दैट फॉर्म ऑफ थिंग. उसी चीज को हम हरप्पन सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि 2500, ओके 2500 से लेकर 1750 तक अगर हम लोग देखते हैं. ओके, 1750 तक अगर हम लोग देखते हैं, सो दिस 500 प्लस दिस 250. ओके, रिमेम्बर गाइस, बीसी का जो कैलेंडर होता है, ओके बीसी का जो कैलेंडर, दैट इज बिफोर क्राइस्ट. नाउ बीसी इज एक्चुअली बिफोर क्राइस्ट. ओके, ये तुम्हारा वाला बीसी नहीं है. तो पर्टिकुलरली दिस इज ऑलमोस्ट 750 years दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो पूरा का पूरा जो 750 साल जो ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट हुआ था, ऑब्वियसली इट हैज मूव फ्रॉम द ग्रेजुअल पार्ट. ओके, एकदम से वो मेच्योर फेज में नहीं आया है या फिर एकदम से वो डिक्लाइन नहीं हुआ है. इट हैज गॉन थ्रू अ फॉर्म ऑफ एवोल्यूशन, और उसे हम 4 parts में डिवाइड कर सकते हैं. वी कैन डिवाइड इट इनटू 4 different parts. ओके, वन इज प्री हरप्पा. ओके, वन इज प्री हरप्पा, सेकेंड वन इज अर्ली हरप्पा, मेच्योर हरप्पा एंड देन लेट हरप्पा. नाउ प्री हरप्पन स्टेज, ओके प्री हरप्पन स्टेज, जहां पर ज्यादा कुछ एक्टिविटीज नहीं हुआ करती थी, पीपल लिव्ड इन स्मॉल सेटलमेंट्स या फिर बहुत नॉर्मल वे ऑफ लाइफ में वो रहा करते थे, ऐसे टाइप के जो एक्सकवेशन है हमें ईस्टर्न बलूचिस्तान में पाए जाते हैं. ओके, ईस्टर्न बलूचिस्तान. नाउ लेट मी टेल यू गाइस, हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो भी सोर्स हमारे पास है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. ओके, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, सारा कुछ हमें एक्सकवेशन से प्राप्त हुआ है. एवरीथिंग दैट वी हैव इज फ्रॉम एक्सकवेशन. ओके, एवरीथिंग वी हैव इट फ्रॉम एक्सकवेशन. सर, विच शुड वी फोकस मोर ऑन, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री? दिस गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू विच वन? दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू टेल काविया, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years हम लोगों ने लास्ट ईयर 10 साल के पेपर का एनालिसिस किया था. 2019 से लेकर 2011 तक के पेपर को हमने एनालाइज किया था. एंड द ट्रेंड दैट वी हैव सीन इन दिस 10 years ऑफ पेपर इज, उन्होंने सब्सिक्वेंटली इक्वल इंपॉर्टेंस दिया था एंशियंट पर भी, मिडिवल पर भी और मॉडर्न पर भी. तो ऐसा हम कह नहीं सकते. एंड हाउएवर, जीके का पैटर्न या फिर जीके के ट्रिक को समझना या फिर उसे क्रैक करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि 2021 का जो TISS था, दिस वाज एब्सोल्युटली शॉकर फॉर ऑल ऑफ अस. 75%, ओके 75% या फिर 75%, ओके 75%
जो है स्टैटिक जीके पूछा जाता था, बट दिस टाइम यू सी मोर देन 50%, ओके, मोर देन 50% वॉज करंट अफेयर्स. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, ओके, बहुत डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना कि टीआईएसएस कौन से चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट देगा. हाउएवर इट इज अ जर्नी, तो हम लोग उसमें सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, प्लस एंशियंट हो या फिर मिडिवल हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो, इट्स ऑलवेज फन टू लर्न हिस्ट्री. हिस्ट्री पढ़ने में सबसे ज्यादा मजा आता है क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें उसमें से समझ आते हैं. ओके, तो प्री हरप्पन स्टेज इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न बलूचिस्तान, जहां पर हमें ज्यादा एविडेंसेस नहीं मिली है, वेरी नॉर्मल काइंड्स ऑफ एविडेंसेस. ऑल्सो गाइस, मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो भी हमारे पास एविडेंस है अबाउट हरप्पन सिविलाइजेशन इज फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. जो भी एक्सकवेशन में हमें मिला है उसी से हमें पता चलता है. देर आर सील्स, ओके, देर आर सील्स एंड टेक्स्ट विच आर प्रेजेंट ऑन द यूटेंसिल्स और ऑन द ज्वेलरी ऑफ द पीपल हु एग्जिस्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाइम, बट अभी तक उसको कोई भी डेसिफर नहीं कर पाया है. ओके, वी हैव नॉट एबल टू डेसिफर. डेसिफर का मतलब होता है डिकोड. तो हमने हमें वी आर नॉट एबल टू डिकोड व्हाट एवर इज रिटन ऑन द इंस्क्रिप्शंस और व्हाट एवर इज रिटन ऑन द सील्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम. तो वो एक चीज है. ओके, तो वो एक चीज है, इसीलिए वी आर नॉट एबल टू गेट द एनी टाइप ऑफ लिटरेरी सोर्सेज. तो जितना भी है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से ही मिला है हम लोगों को. ओके, ऑल ऑफ एवरीथिंग दैट वी हैव गॉट इज फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. ओके, फिर ये प्री हरप्पन स्टेज हो गया. दिस इज द प्री हरप्पन स्टेज एंड इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न बलूचिस्तान. फिर एक्सकवेशन एट मेहग्रा, ओके, एक्सकवेशन ऑफ मेहग्रा विच इज 150 miles टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ मोहनजोदारो रिवील्स द एग्जिस्टेंस ऑफ प्री हरप्पन कल्चर अगेन. ओके, तो मेहग्रह जो है वो 150 मील जो मोहनजोदारो से है, यहाँ पर भी हमें प्री हरप्पन कल्चर के बारे में पता चलता है. ओके, हेलो स्वरंगी, गुड इवनिंग सर. देन व्हाई आर स्क्रिप्चर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट रिलायबल सोर्सेज? इट इज नॉट स्क्रिप्चर्स, अगर हम लोग देखेंगे इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू हरप्पन सिविलाइजेशन ओनली काव्या. मेजोरिटी ऑफ द इंस्क्रिप्शंस और द स्क्रिप्चर्स दैट वी हैव इन द एंशियंट टाइम, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ओके, ब्राह्मी स्क्रिप्ट या फिर पाली स्क्रिप्ट या फिर संस्कृत का जो स्क्रिप्ट में जो कुछ भी लिखा गया है उसे हम डिकोड कर पाए हैं. ओके, वी हैव बीन एबल टू डिकोड देम एंड दैट एक्चुअली गिव्स अस मोर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन. कोई अगर कोई कोई भी एक चीज अगर लिखी हुई है दैट विल बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट रिलायबल सोर्स, राइट? हमें पता नहीं है कि कोई एक चीज अगर उसके बारे में पता ही नहीं है, बट अगर इफ वी कैन नो इट फ्रॉम व्हाट इज रिटन, ऑब्वियसली हम उसे सबसे रिलायबल सोर्स कंसिडर करेंगे ना काव्या, यस और नो, है कि नहीं? सो दैट्स द थिंग. ओके, दैट्स द थिंग. आई बात समझ में? आई बात समझ में? अंडरस्टूड एवरीबडी? ओरिजिन एंड एवोल्यूशन का प्री हरप्पन स्टेज समझ में आ गया है सब लोगों को? एवरीबडी अंडरस्टूड द प्री हरप्पन स्टेज? ओके, चलो नेक्स्ट. फिर इन द अर्ली स्टेज, ओके, अर्ली स्टेज पीपल लिव्ड इन लार्ज विलेजेस इन द प्लेन. देखो लार्ज विलेजेस कहा गया है, ओके, लार्ज विलेजेस, इट इज स्टिल नॉट सिटी, अभी तक उसे सिटी नहीं हुआ है, लार्ज विलेजेस कहा गया है. देयर वॉज अ ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ टाउन्स इन द इंडस वैली, ऑल्सो द ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन लाइफ टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड. ओके, रूरल से लेकर अर्बन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अर्ली स्टेज में देखा गया था. ओके, दैट वॉज बीन सीन इन द रूरल टू अर्बन स्टेज. द साइट्स ऑफ अमरी, ओके, अमरी एंड कोट दिजी, ओके, अमरी एंड कोट दिजी विच इज इन द वेस्ट पंजाब रिमेन द एविडेंसेस ऑफ अर्ली हरप्पन स्टेज. ओके, अर्ली हरप्पन स्टेज इट इज इन द सेकेंड स्टेज. ओके, ये पर्टिकुलरली सेकेंड स्टेज में है. इन द मेच्योर हरप्पन स्टेज ग्रेट सिटीज इमर्ज. ओके, ग्रेट सिटीज इमर्ज हुए बिकॉज ऑफ द मेच्योर हरप्पन स्टेज. द एक्सकवेशन एट कलीबंगन, ओके, एक्सकवेशन ऑफ कलीबंगन विच इज एलोबरेटेड टाउन प्लानिंग एंड अर्बन फीचर्स प्रूव दिस फेज ऑफ एवोल्यूशन. ओके, कलीबंगन जो है जो कि राजस्थान में पाया जाता है,
विच जैसे मैंने कहा था वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओके सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है या फिर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स विच एग्जिस्ट इन इंडिया टूडे विच गिव्स द एविडेंसेस ऑफ लार्ज सिटीज ओके विच ये बताता है मेच्योर हरप्पन स्टेज के बारे में. ऑलराइट एंड लास्ट वन इज द लेट हरप्पन स्टेज which is considered as the decline, okay, which is considered as the decline of the culture. Excavation at Lothal, okay, Lothal, which is in Gujarat, okay, reveals this stage of evolution. Lothal was its port and was found much later, surrounded by massive brick, okay, massive brick as flood protection. So, maan lo ki ye Lothal hai, okay, this is Lothal. It was surrounded by a massive brick, okay, brick type of protection wall. बांधी गई थी फॉर वॉट टू पर्टिकुलरली टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम फ्लड्स ओके बड़े फ्लड्स जो थे उससे बचने के लिए एक वॉल बांधी गई थी ओके. लोथल रिमेन्स एम्पोरियम ऑफ ट्रेड ऑफ हरप्पा एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन विद द रिमेनिंग पार्ट एज वेल एज मेसोपोटामियन. तो यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आती है कि मेसोपोटामियन ओके मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वॉज अ कंटेम्प्ररी ओके कंटेम्प्ररी सिविलाइजेशन टू इंडस वैली ओके इंडस वैली के लिए ये कंटेम्प्ररी सिविलाइजेशन की तरह काम करता था ओके मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. यू गॉट इट गाइस. चार स्टेजेस समझ में आ गया. चार स्टेजेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. वन इज प्री हरप्पन अर्ली हरप्पन मेच्योर हरप्पन एंड देन लास्ट वन इज द लेट हरप्पन. इज दैट क्लियर विद एवरीबडी? Is that clear with everybody? सब लोगों को क्लियर है? Everybody clear? Okay, चलो fantastic, fantastic. Then let us see the dates of Harappan civilization. What are the important dates of Harappan civilization? 1931. Okay, 1931. Sir John Marshall estimated the duration of occupation of Mohenjo-daro between 3250 and 2750 BC. Okay, 700 BC. So most widely accepted pehle jo tha, wo 3250 to 2750. Subsequently, as new sites were discovered, the dating of Harappa culture modified. Carbon dating ke hisab se hum kisi bhi डेट को या फिर वी कैन गेट टू नो कि कितना पुराना है या फिर एग्जैक्ट डेट हमें पता चलती है. तो ऐसे ही हर बार वो चेंज होते गया, नए डिस्कवरीज होते गए तो चेंज हमेशा होते गए. 1956 में ओके 1956 में फेयर सर्विस ओके फेयर सर्विस ब्रॉट डाउन द डेटिंग ऑफ हरप्पन कल्चर बिटवीन 2000 एंड 1500 बीसी ओके 2000 एंड 1500 बीसी on the basis of radiocarbon dates of his findings. 1964 okay 1964 DP Agarwal came to the conclusion that the total span of this culture okay total span of this culture should be between 2300 to 1750 BC. There is no scope for modification of this date okay but widely accepted date is from 2500 to 1750 BC. Okay, there is a further scope. मतलब अभी तक हम exact date क्या है Indus Valley civilization का वो guess नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी कितने सारे discoveries are remaining. So many discoveries about the Indus Valley, the Mohenjo-daro, the Harappa, Lothal, Kalibanga. Day by day वहाँ पर excavation हो रहा है. तो जैसे ही नया evidence light में आता है, the date of Harappan civilization changes. But mind it. This is the most widely accepted date of Mohenjo-daro civilization. Okay, got it, guys? Yes, ye the iske dates. Okay, these are its date. Now, very important. Okay, very, very, very important. What are the silent features? Iske upar bhi direct questions aapko puche ja sakte hain TISS mein. What are the silent features of Indus Valley civilization? One is the town planning. Okay, sabse pehla town planning. Modern type of town planning tha unka. इकोनॉमिक लाइफ ओके हाय सार्थक गुड इवनिंग. इकोनॉमिक लाइफ फिर सोशल लाइफ व्हाट वर द आर्ट्स व्हाट वर द स्क्रिप्ट्स रिलीजन क्या फॉलो करते थे और ब्यूरियल मेथड्स कौन से फॉलो किया करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ओके.
तो लेट अस नाउ डिस्कस दिस साइलेंट फीचर. ओके, इन साइलेंट फीचर्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. बाय द वे गाइस, लेट मी टेल यू, टुमारो देयर विल बी नो क्लास. ओके, कल कोई क्लास नहीं होगी. फ्राइडे को, ओके, फ्राइडे को वी विल हैव द सेम टाइम टेबल, 11 AM. ओके, 11 AM को हम लोग एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे. फिर 5 PM वी विल डू द डेली जीके अपडेट्स. ओके, डेली जीके अपडेट्स करेंगे. और 7 PM हिस्ट्री. ओके, हिस्ट्री में हम जितने भी डायनेस्टीज थे, ओके, ऑल इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे. हरियाणा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी, द सुंगाज, द शिशुनागाज, द गुप्ताज, द हुनाज, उसके बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, सारे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज है उसे ही हम पढ़ेंगे. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट डायनेस्टी. तो ये फ्राइडे का टाइम टेबल है. थर्सडे, ओके, थर्सडे नो क्लास, कल कोई क्लास नहीं होगी. प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट. ओके, उस चीज का नोट कर लेना. फिर आगे चलते हैं. व्हाट इज टाउन प्लानिंग? ओके, टाउन प्लानिंग में ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को. चार इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं मैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में तुम लोग समझ लेना. सबसे पहले तो टाउन प्लानिंग का एक डिस्टिंग्विश्ड फीचर है हरप्पन सिविलाइजेशन में, दैट इज द ग्रिड टाइप ऑफ सिस्टम. ओके, ग्रिड टाइप ऑफ सिस्टम. और अगर तुम लोग देखोगे गाइज, आज भी, ओके, कितना इंटरेस्टिंग है, देखो, दिस इज सच फैसिनेटिंग थिंग कि 2000 या फिर 2500, 2300 साल पुराना जो भी चीज फॉलो हुआ करता था, आज भी हम लोग उसे फॉलो करते हैं. वी स्टिल फॉलो दैट काइंड ऑफ थिंग इवन इन द मोस्ट मॉडर्न टाइम ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. देखो, ग्रिड सिस्टम मतलब क्या, ये ऐसे उनके घर रहते थे. ओके, ये एक दो घर, फिर ये एक दो घर, फिर यहाँ पर एक दो घर, यहाँ पर एक दो घर. ओके, तो ऐसा ग्रिड टाइप ऑफ सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ था. डू स्टार्ट वोकैब एज वेल, विल बी रियली हेल्पफुल. काविया, 11 बजे का जो क्लास है ना, 11 बजे का जो क्लास है वो एडिटोरियल में हम वोकैब करते ही है. वी डू वोकैब डेली इन एडिटोरियल क्लास. कम से कम हम लोग रोजाना 6 से 7 नए वर्ड्स पढ़ते हैं. 6 to 7 न्यू वर्ड्स वी डू एडिटोरियल. एडिटोरियल इज अ ऑल इन वन पैकेज. इसमें आपका करंट अफेयर्स भी हो जाता है, इश्यूज भी आपको, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज भी आपको काफी अच्छे से समझ आते हैं, और वोकैबुलरी भी आपका काफी हो जाता है. हावेवर, जो मैंने अभी 5 बजे की क्लास में कहा कि टेस्ट करेंगे हम लोग एवरी अल्टरनेट डे. ओके, एक अल्टरनेट डे हम लोग टेस्ट करेंगे, तो वो करेंगे. वी विल डू दैट. ओके, वी विल डू दैट. 30-40 क्वेश्चंस का अलग अलग टॉपिक्स पर हम लोग टेस्ट करेंगे, 100% करेंगे. ओके, तो ग्रिड सिस्टम देखो गाइस कैसा है. सो दिस इज पर्टिकुलरली अ रोड. ओके, ये एक रोड है. तो ऐसे 90 डिग्रीज में डिवाइड किया हुआ ग्रिड सिस्टम तब भी फॉलो होता था और आज भी हम लोग फॉलो करते हैं. बट हमारे ग्रिड सिस्टम को बस हमने चौक का नाम दे दिया है. ओके, वी कॉल इट अ चौक और वी कॉल इट अ चौक. सो पर्टिकुलरली, और एक मॉडिफिकेशन भी किया है हमने हमारे ग्रिड सिस्टम में, कि एक हमने यहाँ पर एक सीमेंट का ब्लॉक रख दिया है और उसके ऊपर किसी का तो स्टैचू रख दिया है. दिस इज द ओनली मॉडिफिकेशन व्हाट वी हैव डन टू द ग्रिड टाइप ऑफ सिस्टम दैट वाज फॉलोड एट दैट पर्टिकुलर टाइम. ओके, तो ये एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है टाउन प्लानिंग. ओके, टाउन प्लानिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स अंडर इंडस वैली सिविलाइजेशन. सेकेंड वन इज उनका खुद का सिटाडेल हुआ करता था. ओके, सिटाडेल ऑन अ हाई पोडियम ऑफ मड ब्रिक्स. सिटाडेल मतलब क्या, वो क्लास वाइज रहते थे. ओके, बड़े बड़े इसमें वो रहते थे. सो सबसे हाइएस्ट ब्लॉक, सबसे ऊपर इसमें किंग, ओके, किंग या फिर क्वीन रहा करते थे. सेकेंड इसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स या फिर मिनिस्टर्स जिसे हम कहेंगे. फिर थर्ड इसमें लेयर्स रहते, थर्ड इसमें ट्रेडर्स रहते थे. और फोर्थ इसमें सबसे नीचे वाले इसमें लेबर्स और फिर सोल्जर्स, ये जो है वो रहा करते थे. सो सिटाडेल उनका अपना खुद का क्लासिफिकेशन था और वो हाई पोडियम ऑफ मड ब्रिक्स. ओके, हाई पोडियम ऑफ मड ब्रिक्स में रहते हैं हम लोग. सार्थक, इट्स सच एन आयरनी दैट स्टूडेंट्स डोंट वैल्यू अर्ली बर्ड लेक्चर एंड देन आस्क द टीचर टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन डिटेल व्हेन द एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर.
आई एम एग्जैक्टली मेरे दिल का बात कह दिया सार तक तूने। हाउएवर ठीक है, इट्स ओके। यू आर कमिंग टू द क्लास अर्ली, टेक इट टू योर एडवांटेज, आपका एडवांटेज हो रहा है। हाउएवर मेरा तो काम है, स्टूडेंट एट द एंड टाइम भी मुझे डाउट पूछेगा और मुझे बोलेगा कि सर ये नहीं आता है, प्लीज पढ़ा दो। आउट ऑफ माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैव टू टीच देम। बट समवेयर एक काम करते हैं ऑल ऑफ अस ना, व्हाट वी कैन डू इज बिफोर बिफोर वी स्टार्ट विद द लेक्चर, हम लोग क्या करेंगे अभी सारे इसमें हम लोग अपना ये सेशन शेयर कर देंगे। सो वी विल शेयर इट ऑन टेलीग्राम, वी विल शेयर इट ऑन व्हाट्सएप, आई विल शेयर इट ऑन फ्रॉम माई साइड। तुम लोग से भी अगर होता है तो तुम लोग भी अपने स्टडी ग्रुप में उधर उधर शेयर कर देना, सो दैट दे विल कम एंड ज्वाइन द सेशन, ताकि सब लोगों का प्रिपरेशन अच्छा हो। ओके चलो, सो ये है। फिर बिलो द सिटाडेल इन ईच सिटी ले अ लोअर टाउन कंटेनिंग द ब्रिक हाउसेस। ओके, ब्रिक हाउसेस विच वर इनहेबिटेटेड बाय कॉमन पीपल। तो जैसे मैंने कहा लेवल वाइज सेग्रीगेशन होता था, सबसे टॉप लेवल पर क्वीन या फिर किंग, फिर उसके नीचे एडमिनिस्ट्रेटर या फिर रूलर, फिर आते थे ट्रेडर्स एंड देन कम केम द सोल्जर्स। तो इसी सिस्टम को, ओके यू सी, इसी सिस्टम को बाद में भी फॉलो किया हुआ था, बट अंडर रिलीजियस प्रिटेक्सेस। ओके सो दिस इज हाउ इट ऑल चेंजेस, कैसे टाइम फ्रेम के साथ एवोल्यूशन कैसे होता है। देखो ऑल्दो वी आर नाउ ह्यूमन बीइंग्स, एक्चुअली हमेशा दे आर एट द गेट्स ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, हम लोग हर एक टाइम पर ह्यूमन एवोल्यूशन के गेट्स पर खड़े रहते हैं कि अब किसी भी टाइम हम लोग इवॉल्व कर सकते हैं। हाउएवर इवन इफ वी इवॉल्व टू अ मोर एडवांस स्टेज, या फिर इवन इफ वी इवॉल्व टू अ मोर बेटर फेज और बेटर एस्पेक्ट ऑफ आवर ऑफ दिस वर्ल्ड, वी विल ऑलवेज कैरी समथिंग विच इज बीन विद अस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो उसी चीज को हम फॉलो करते हैं। तो अपग्रेडेशन किस चीज का होता है, जो चीज ऑलरेडी आपके पास है। ओके देन द लार्ज स्केल ऑफ बर्न ब्रिक्स, देखो उस समय पर भी बर्न ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ करता था, हम लोग आज भी उसे इस्तेमाल करते हैं। मराठी में उसे वीट कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, आई रियली डोंट नो व्हाट डज इट्स कॉल्ड इन हिंदी, ईट, सॉरी हाँ ईट, मराठी में उसे वीट कहते हैं और मराठी हिंदी में उसे ईट कहते हैं। तो पर्टिकुलरली इट्स द बर्न ब्रिक्स, हम लोग क्या करते हैं, एक मड को एक पर्टिकुलर शेप देकर उसे बर्न करते हैं, उसे बेक करते हैं, सो दैट इट बिकम्स मोर कॉन्क्रीट, और आज भी हम लोग उसे हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन प्लानिंग एस्पेक्ट। अनदर रिमार्केबल फीचर वॉज अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। देखो 2500 ईयर्स बिफोर भी एडवांस ड्रेनेज सिस्टम एग्जिस्ट करता था। आज हम लोग इवन दो वी आर इन द मोस्ट एडवांस टाइम फ्रेम ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, आवर ड्रेनेज सिस्टम आर स्टिल नॉट फुल्ली इक्विप्ड। ओके आज भी हमारा ड्रेनेज सिस्टम उतना इफिशियंटली काम नहीं करता है, भले ही हम लोग एकदम मॉडर्न टाइम्स में क्यों नहीं आया हो, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, के उस समय पर भी वो लोग अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम को फॉलो करते थे, एंड इट वॉज वन ऑफ इट्स काइंड। मतलब प्रिमिटिव एज में रहकर भी कितना आगे का वो लोग सोचते थे, दे वर सो अहेड ऑफ देयर टाइम। तो ड्रेनेज सिस्टम कनेक्टिंग ऑल हाउसेस टू द स्ट्रीट ड्रेन व्हिच वर कवर्ड बाय स्टोन स्लैब्स और ब्रिक्स। स्टोन स्लैब्स अभी भी हम लोग यूज करते हैं, कंक्रीट का एक ब्लॉक होता है जिसे हम मैन होल कहते हैं। ओके मैन होल, तो सुअर लाइन अगर क्लॉग हो जाती है या फिर उसे रिपेयरमेंट करना हो या फिर उसे सर्विस करना हो, तो वी टेक द हेल्प ऑफ मैन होल। एंड दिस इज अनदर आयरोनिक थिंग कि इवन दो वी आर स्टैंडिंग एट द मोस्ट एडवांस्ड टाइम ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, अभी तक ह्यूमंस हैव टू एंटर इनसाइड द पिट। ओके अभी तक हमें मैन होल में जाकर मैन होल के जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करना पड़ता है। वी स्टिल आर नॉट एडवांस इनफ वेयर द मशीन्स कैन टेक केयर ऑफ दिस सिचुएशन। मतलब ये कितना आयरोनिक सिचुएशन है देखो। बट रिमेंबर दिस थिंग, ये चार चीजों को याद रखना आप लोग। एक है ग्रिड सिस्टम, अनदर वन इज द मड ब्रिक और ब्रिक सिस्टम, बर्न्ड ब्रिक्स, एंड फोर्थ वन इज द ड्रेनेज सिस्टम। ओके ये चार फीचर्स
ऑफ टाउन प्लानिंग को तुम लोग याद रखना। इज दिस क्लियर गाइज? इज दिस क्लियर विद एवरीबडी? ये क्लियर है सब लोगों को? दिस क्लियर विद एवरीबडी? सर मोस्ट ऑफ आवर प्रेजेंट प्लानिंग इज जस्ट टेकन फ्रॉम दिस पीरियड। वी कैन से दैट, यस वी कैन से दैट काव्या, हम कह सकते हैं वैसा। बट नॉट एज इट इज, ओके एज इट इज नहीं, थोड़ा बहुत उसमें टेक्निक्स में चेंजेस हुए हैं। ओके तो ये टाउन प्लानिंग था गाइस। ओके दिस इज टाउन प्लानिंग। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज द ग्रेट बाथ। ओके ये ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर है। पर्टिकुलरली दिस वॉज अ रिलीजियस गैदरिंग। ओके ये रिलीजियस गैदरिंग है। यू सी द स्ट्रक्चर, ओके यू सी द स्ट्रक्चर, इट इज एज गुड एज अ मॉडर्न डे स्विमिंग पूल। मॉडर्न डे स्विमिंग पूल के जैसे ही ये दिखता है। यू हैव स्टेयर्स टू एंटर इन टू द पूल। फिर ये जो बाजू के जो कंपार्टमेंट दिख रहे हैं आपको, दीज आर नथिंग बट चेंजिंग रूम्स। ओके ये चेंजिंग रूम्स है। एंड इसका जो बेस है, ओके इसका जो बेक है वो बेक मड से उसे कॉन्क्रीट टाइप बनाया गया है। एंड इट ऑल्सो हैड अ ड्रेन सिस्टम। ओके वो पानी को ड्रेन भी कर सकते थे। सो इसका स्ट्रक्चर इज एज गुड एज अ मॉडर्न डे स्विमिंग पूल। मॉडर्न डे स्विमिंग पूल का आइडिया भी इसी से ही इंस्पायर्ड होगा। दिस इज व्हाट आई थिंक। ओके उस समय पर ग्रेट बाथ का कोई एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था विच ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ इनटू मॉडर्न डे स्विमिंग पूल। ओके ये देखो काव्या, विच प्रोग्राम आर यू टारगेटिंग फॉर टीआईएसएस? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस ऑफ मोहनजोदारो इज ग्रेट बाथ, मेजरिंग 39 फीट, 39 फीट इन लेंथ एंड 23 फीट इन ब्रेथ, और 8 फीट तक का डेप्थ होता है। फ्लाइट्स ऑफ स्टेप एट ईदर एंड टू द सर्फेस। ओके टू एंड लीड टू द सर्फेस। साइड रूम्स फॉर चेंजिंग क्लोथ्स। ओके जैसे मैंने कहा साइड रूम्स फॉर चेंजिंग क्लोथ्स। फ्लोर ऑफ बाथ, ओके फ्लोर ऑफ बाथ वॉज मेड आउट ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स। ओके ताकि उसे कॉन्क्रीट कर सके। वाटर वॉज ड्रॉन फ्रॉम अ लार्ज वेल इन एन एडजेसेंट रूम। बाजू में ही एक बड़ी रूम हुआ करती थी। एंड एन आउटलेट फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द बाथ लेड टू ड्रेन। इट हैज सर्व्ड एज अ रिचुअल बेदिंग साइट। तो जैसे मैंने कहा था दिस वॉज अ प्लेस ऑफ रिलीजियस गैदरिंग। ओके दिस वॉज अ प्लेस ऑफ रिलीजियस गैदरिंग। ओके रिलीजियस गैदरिंग। एंड द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदारो इज द ग्रैनरी। ओके ग्रैनरी जहां पर वो लोग ग्रेन्स को स्टोर किया करते थे। ओके ग्रेन्स को स्टोर किया करते थे। 100 फीट, 50 फीट इन लेंथ एंड 50 फीट इन ब्रेंथ। तो ऐसे बड़े बड़े ग्रैनरी जहां पर इन अ ड्रॉट लाइक सिचुएशन। ओके इन अ ड्रॉट लाइक सिचुएशन दे कैन टेक हेल्प ऑफ द स्टोरेज दैट दे हैव। ओके एज मेनी एज 6 ग्रैनरी। ओके सबसे बड़े 6 ग्रैनरीज पाए गए हैं हरप्पन सिविलाइजेशन में। तो ग्रेट बाथ, ओके ग्रेट बाथ इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट एंड अनदर वन इज द ग्रैनरीज। ओके ग्रैनरीज जहां पर फूड ग्रेन्स को वो स्टोर किया करते थे। बट देयर सिस्टम वॉज मच बेटर देन टूडे। एब्सोल्यूटली काव्या, देयर सिस्टम वॉज मच बेटर। देर इज वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू द मॉडर्न डे प्रॉब्लम दैट वी फेस काव्या, इट्स पॉपुलेशन। ओके इट्स पॉपुलेशन, हमारा पॉपुलेशन ऑप्टिमम नहीं है। ओके ऑप्टिमम नहीं है। वी माइट बी एट अ पॉपुलेशन डिविडेंड या फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड, बट दिस वेरी मच पॉपुलेशन इज पर्टिकुलरली एक्टिंग एज अ डेमोग्राफिक डिजास्टर। यू नो कि हमारा आज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इट इज नॉट इनफ फॉर इवन 1/4 ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी आर स्टैंडिंग एट टूडे एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन के 1/4, 1/4 लोगों के लिए भी वो काफी नहीं है। मतलब 4 में से 1 ही आदमी है जो प्रॉपरली अपने रिसोर्सेस को या फिर प्रॉपरली अपने जो भी चीज है उसे एंजॉय कर सकता है। बाकी 3 लोगों को ट्रेन में लटक के जाना पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन है।
सो द मेन थिंग, ओके अर्नब, गुड इवनिंग, हाँ ठीक है चलेगा अर्नब, दैट्स गॉन. पॉपुलेशन, ओके पॉपुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, या फिर एस्पेक्ट ऑफ हाउ वेल यू कैन और हाउ एफिशिएंटली यू कैन मैनेज योर डे टू डे लाइफ. ओके चलो हो गया अर्नब, रिजल्ट आने दो फिर हम देखेंगे क्या करना है. लेट्स सी व्हाट इज योर स्कोर बाय द वे, क्या स्कोर आ रहा है. इज दिस क्लियर गाइड, ये क्लियर है सब लोगों को? इज दिस क्लियर विद एवरीबडी? इज दिस क्लियर विद एवरीबडी? ये क्लियर है सब लोगों को? हाँ चलो आगे. अब इकोनॉमिक लाइफ देखो उनका क्या क्या था. सो दे हैड ग्रेट प्रोग्रेस इन ऑल स्पीयर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हर एक एक्टिविटीज में वो इंडल्स थे, जैसे एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्री था, क्राफ्ट्स भी था और ट्रेड भी था. द मेजर और मेन क्रॉप्स व्हीट एंड बार्ली, ओके व्हीट एंड बार्ली वेर द मेन क्रॉप बिसाइड सीसम, मस्टर्ड एंड कॉटन. ओके कॉटन भी उस समय पर वो लोग करते थे. सरप्लस ग्रेन्स वर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज, हमने थोड़ी देर पहले ही उसे डिस्कस किया. एनिमल्स लाइक शीप्स, गोट एंड बफलोज वर डोमेस्टिकेटेड, मतलब एनिमल हस्बेंड्री, ओके एनिमल हस्बेंड्री भी उस समय पर प्रैक्टिस हुआ करता था. ओके प्रैक्टिस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. द यूज ऑफ हॉर्स इज नॉट येट फॉर्मली एस्टेब्लिश, द यूज ऑफ हॉर्स, या फिर ऐसा कहा जाता है इट वर द आर्यंस, ओके इट वर द आर्यंस हु ब्रॉट द डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्स एंड नॉट इंडस वैली सिविलाइजेशन. नंबर ऑफ अदर एनिमल्स वर हंटेड फॉर फूड इंक्लूडिंग डियर, तो हंटिंग भी हुआ करता था. सर आप जैसा ही कोई डेडिकेटेड टीचर पॉइंट्स और VARC के लिए भी मेंशन कर दीजिए प्लीज. यस देर आर सो मेनी अमेजिंग एडुकेटर्स फॉर क्वांट एंड VARC. क्वांट के लिए तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू रौनक शाह सर, ओके रौनक शाह सर है, उदित सर है, ये VARC आपका काफी अच्छे से प्रैक्टिस करा देंगे. सॉरी क्वांट का रौनक शाह, उदित सर, फिर VARC के लिए रितु मैम है, शी इज ऑल्सो एन अमेजिंग फैकल्टी. हरप्रीत मैम भी है जो आपको VARC के लिए काफी अच्छे से प्रिपेयर कर देंगी. सुमन शेखावत मैम है, फिर करिश्मा वनवानी मैम भी है, दे विल ऑल्सो, ये चार एडुकेटर्स आपको VARC में एब्सोल्युटली मदद करेंगे आपको. रौनक शाह सर तो फुल पैकेज है, वो आपको QA भी पढ़ा देंगे और आपको LRDI भी पढ़ा देंगे. सो ऑलमोस्ट मेजोरिटी 70 और 60% ऑफ द सिलेबस इन एनी ऑफ द मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम इज टॉट बाय दिस सिंगल पर्सन. ओके ये आपको पूरा QA LRDI पूरा अच्छे से करा देंगे. HR इज एवरीवन्स फर्स्ट चॉइस एट TISS, होपिंग टू गेट इनटू दैट दो इट इज रियली टफ. ओके तो यस गाइस चलो आगे चलते हैं. स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ आर्टिसंस इंक्लूड्स गोल्डस्मिथ, ब्रिक मेकर्स, स्टोन कटर्स, वीवर्स, बोट बिल्डर्स एंड टेराकोटा. ओके टेराकोटा मैन्युफैक्चर मतलब इट इज अ टाइप ऑफ कॉटन, ओके टाइप ऑफ कॉटन गारमेंट. फिर ब्रॉन्ज एंड कॉपर वेसल्स आर आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ हरप्पन मेटल क्राफ्ट. ओके तो उस समय पर वेसल्स भी हुआ करते थे, ब्रॉन्ज एंड कॉपर वेर वन ऑफ द मोस्ट क्या कहेंगे उसे, वाइडली सीक्ड मेटल. ओके गोल्ड एंड सिल्वर, ओके गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स आर फाउंड इन मेनी प्लेसेस, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रॉन्ज और कॉपर ही हुआ करता था, गोल्ड और सिल्वर भी उस समय पर पाया जाता था. ये है उनका इकोनॉमिक लाइफ. ओके गाइस क्वांट VARC के लिए तो मैंने आपको फैकल्टीज बता दी, बट जीके, ओके जीके का वर्ल्ड आपको अनलॉक करना है, मेरे फ्री क्लासेस आपको अगर देखने हैं तो यू हैव टू यूज दिस कोड. सिंपली आपको ये कोड इस्तेमाल करना है RUSHI ऋषि एंड यू कैन एक्सेस ऑल माय सेशंस फॉर एब्सोल्युटली फ्री. मैं आपके लिए वोकैबुलरी के भी सेशंस लेकर आया हूँ. ओके आई हैव स्टार्टेड विद योर वोकैबुलरी सेशंस ऑल्सो, सो डोंट मिस ऑन दैट. एडिटोरियल एनालिसिस में आपको अलग अलग वर्ड्स मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, एंटोनिम सिनोनिम. आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ टेस्ट सीरीज ऑल्सो, इसके ऊपर एक टेस्ट सीरीज भी मैं करने वाला हूँ. एंटोनिम सिनोनिम्स, फाइंड द ऑड मैन आउट, फिलिंग द ब्लैंक्स, करेक्ट स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस, ऐसे अलग अलग पूरा का पूरा मैं आपको लेकर आने वाला हूँ. रितु दुधिया मैम इज ऑसम, प्लीज वॉच हर लेक्चर्स, हर प्लस क्वेश्चंस आर इवन बेटर, नो बेटर फैकल्टी.
यस चलो आगे चलते हैं. सो दिस वाज सर व्हाट काइंड ऑफ कॉइन्स वर यूज्ड. कॉइन्स उस समय पर ज्यादातर यूज नहीं होते थे काव्या, मेजरली बार्टर सिस्टम होता था तब. ओके, बार्टर सिस्टम के थ्रू ही हुआ करता था ट्रेड. कॉइन्स वर नॉट यूज्ड. पॉटरी रिमेन्स प्लेन एंड इन सम प्लेसेस रेड एंड ब्लैक पेंटेड पॉटरी इज ऑल्सो फाउंड. बीड्स, ओके बीड्स, बीड्स मतलब ऐसे स्मॉल छोटी छोटी चीजें होती है जो हम हाथ में पहनते हैं या फिर गले में पहनते हैं, उसे बीड्स कहते हैं. फ्रॉम वैरायटी ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन्स और ज्वेलरी या फिर ऑर्नामेंट के टाइप इसमें उसको पहना करते थे. इंटरनल ट्रेड वॉज एक्सटेंसिव विद अदर पार्ट ऑफ इंडिया, प्लस एक्सटर्नल ट्रेड भी हुआ करता था. मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया इज पार्ट ऑफ इजिप्शियन, ओके मिडिल ईस्ट में, अफगानिस्तान एंड ईरान के साथ भी ट्रेड होते थे. गोल्ड, कॉपर, टिन एंड सेवरल सेमी प्रेशियस स्टोन्स वर आल्सो इंपोर्टेड. मेन मेजॉरिटी ऑफ द सारे एक्टिविटीज मोहनजोदारो, हरप्पा सिविलाइजेशन के टाइम पर हुआ करते थे. गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वर देयर, ओके बट दे वर नॉट, तो उस समय वो करेंसी नहीं थे ना, ओके वो करेंसी नहीं थे उस समय पर. बार्टर टाइम, ओके बार्टर में कुछ भी आप बार्टर कर सकते हो. वीट कैन बी एक्सचेंज फॉर राइस, ओके या फिर वीट कैन बी एक्सचेंज फॉर वन गोल्ड कॉइन या फिर वन कॉपर कॉइन या फिर वन ब्रॉन्ज कॉइन. इट वाज नॉट यूज्ड एज अ करेंसी एट दैट पर्टिकुलर टाइम. ओके, करेंसी के तौर पर वो यूज नहीं करते हैं. ओके सो ये सारी चीजें हैं गाइस. नाउ सोशल लाइफ भी काफी अच्छी थी उनकी, मॉडर्न लाइफ थी. तो बोथ द मेन एंड वुमेन दे ड्रेस्ड इन टू पीसेस ऑफ क्लॉथ, अपर गारमेंट और लोअर गारमेंट. बीड्स, ओके बीड्स जैसे मैंने आपको बताया, वर वन बाय मेन एंड वुमेन बोथ, दोनों भी पहना करते थे एज अ फॉर्म ऑफ ज्वेलरी या फिर एज एन ऑर्नामेंट. हाथ में पहना करते थे, गले में पहना करते थे. ज्वेलरी सच एज बैंगल्स, ब्रेसलेट, फिलेट्स, ग्रिडल्स, एंकलेट्स, इयररिंग्स एंड फिंगर रिंग्स वर ऑल्सो वन बाय वुमेन, वर्न बाय वुमेन. ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्राउन, सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी यूज हुआ करते थे. यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स वॉज कॉमन. तो ऐसा नहीं है कि कॉस्मेटिक्स या फिर क्या कहेंगे, ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स जो है उनका इन्वेशन अभी से ही हुआ है. उस समय पर भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वर कॉमनली यूज. मेजरली टैल्कम, ओके मेजरली टैल्कम का जो पाउडर होता था, दो टैल्कम के स्टोन्स को घिसकर जो पाउडर मिला करती थी, वो बहुत कॉमनली और वाइड स्प्रेडली यूज किया जाता था. वेरियस होममेड आर्टिकल्स ऑफ पॉटरी, स्टोन शेल्स, आइवरी, आइवरी सबको पता है ना आइवरी मतलब क्या, विच वर फाउंड एट मोहनजोदारो. स्प्लिंडल्स, नीडल्स, कॉम्ब्स, फिश हुक्स, नाइव्स वर मेड ऑफ कॉपर एट दैट पर्टिकुलर टाइम. चिल्ड्रंस टॉय इंक्लूडेड लिटिल क्ले आर्ट्स. मार्बल्स, बॉल्स, डाइस वर ऑल्सो यूज फॉर गेम्स. फिशिंग वॉज अ रेगुलर ऑक्यूपेशन वाइल हंटिंग एंड बुल फाइटिंग वर फेवरेट पास टाइम. ओके, हंटिंग और बुल फाइटिंग भी जो है वो फेवरेट पास टाइम्स के जैसे काम हुआ करते थे एट दैट पर्टिकुलर टाइम. ओके, तो ये है सोशल लाइफ. रिलीजियस लाइफ, दो टाइप के डेटीज को वो लोग वर्शिप करते थे गाइस. ओके, द चीफ मेल डेटी, ओके चीफ मेल डेटी विच इज नोन एज पशुपति, ओके रिप्रेजेंटेड इन सील्स एज सिटिंग इन अ योगिक पोस्चर विथ थ्री फेसेस एंड टू हॉर्न्स. थ्री फेसेस हुआ करते थे उनको और दो हॉर्न हुआ करते थे. सराउंडेड बाय फोर एनिमल्स विच इज एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफलो, ईच फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन. टू डियर अपियर एट हिज फीट. ये मेल डेटी है पशुपति. एंड चीफ मेल डेटी इज द मदर गॉडेस विच इज रिप्रेजेंटेड इन द टेराकोटा फिगरिन, जिसे इन लेटर टाइम्स लिंगा वर्शिप वॉज वेरी प्रेवलेंट. तो दो टाइप गाइज, दो टाइप पर्टिकुलरली फॉलो करते थे. एक मतलब लिंगम जो है, ओके लिंगम जो है और योनि जो है. तो पर्टिकुलरली लिंगम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड योनि इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो पर्टिकुलरली इसी कॉन्टेक्स्ट में वो लोग वर्शिप करते थे. तो रिलीजियस बेस में पशुपति, महालिंगम और योनि इस वे में वो लोग रिलीजन को फॉलो करते थे. सो दे बिलीव्ड, ओके दे बिलीव्ड इन ट्रीज एंड एनिमल्स. ओके, ट्रीज और एनिमल्स को भी वो वर्शिप हुआ करते थे. आज भी हम लोग उसे फॉलो करते हैं.
दे बिलीव्ड इन गोस्ट एंड ईविल फोर्सेस एंड यूज एम्यूलेट्स. ओके, एम्यूलेट्स मतलब तावीज टाइप चीज, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट, विच अगेन वी फॉलो इन टूडेज डेट ऑल्सो, आज के डेट में भी हम उसे फॉलो करते हैं. तो दिस वॉज द रिलीजियस एस्पेक्ट. ब्यूरियल में, ओके, कंप्लीट ब्यूरियल एंड पोस्ट क्रिमिटल ब्यूरियल्स वर पॉपुलर एट मोहनजोदारो. तो गाइज वहां पर वो लोग फाइनल राइट्स में उसे जला नहीं देते थे, वो लोग उसे बरी करते थे. तो पूरा कॉफिन टाइप स्ट्रक्चर से वो लोग बरी करते थे. लोथल में ब्यूरियल पिट्स वर लाइंड विद बर्न ब्रिक्स इंडिकेटिंग द यूज ऑफ कॉफिन्स. वुडन कॉफिन्स वर ऑल्सो फाउंड एट हरप्पा. प्रैक्टिस ऑफ पॉट ब्यूरियल्स. ओके, तो कॉफिन टाइप ब्यूरियल्स भी वो लोग प्रैक्टिस किया करते थे और पॉट ब्यूरियल्स भी वो लोग प्रैक्टिस करते थे, मतलब पॉट लाइक स्ट्रक्चर में ममिफिकेशन कर देते थे वो. विच आर फाउंड इन लोथल समटाइम्स पेयर विद स्केलेटन्स. देयर इज नो क्लियर एविडेंस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ सती. ओके, उस समय पर सती का प्रैक्टिस नहीं होता था. ओके, दिस वाज द थिंग. सो अभी लास्ट पार्ट बचा है आज के डिस्कशन का. इतना सब कुछ मैंने तुम लोगों को बताया. यू गाइज टेल मी व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. ओके, हरप्पा के सिविलाइजेशन का डिक्लाइन के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? व्हाट कुड बी द रीजंस ऑफ डिक्लाइन? चार बता दो, चार ही है, वाइडली एक्सेप्टेड है और बहुत इजी है. कम ऑन, लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज डिस्कशन, आज के डिस्कशन का आखिरी पॉइंट है, आखिरी पॉइंट. यस, बिल्कुल बिल्कुल. आर्यन इन्वेजन, वेरी गुड काव्या, आर्यन इन्वेजन. नाउ आई विल मेक इट इजी फॉर यू. फॉरगेट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, किसी भी एक सिविलाइजेशन का डिक्लाइन का कॉज क्या होगा? व्हाट विल बी द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ एनी सिविलाइजेशन? हेलो प्रियांशु, गुड इवनिंग. फ्लड, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड प्रिया. फ्लड, नेचुरल डिजास्टर्स. प्रियांशु मुझे हेलो बोलो, मैं यहाँ पर बैठा हूँ. आई एम द स्टार ऑफ द इवनिंग, तो यू कैन से हेलो टू मी. फाइनल ये आ गया ना, आर्यन इन्वेजन में आ गया. ओके, आर्यन इन्वेजन में आ गया काव्या. वो नेचुरल कैलामिटीज, एब्सोल्युटली करेक्ट सोहनी. फ्लड है, फिर वॉल्केनिक इरप्शन है. ओके, वॉल्केनिक इरप्शन, ऑल्दो उस समय उस पर्टिकुलर एरिया में कोई वॉल्केनिक इरप्शन नहीं है, बट वॉल्केनिक इरप्शन आई विल कैंसिल. अर्थक्वेक्स लिख देता हूं मैं, अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स. एक और लास्ट वाला बोल दो, लास्ट वाला. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. वी आर लिविंग इट राइट इन द मिडिल ऑफ इट टुडे. हम लोग उसके बीचों बीच खड़े हैं आज. राइट इन द मिडिल ऑफ इट. कम ऑन गाइस, लास्ट वन, लास्ट वन, देन वी आर डन फॉर द डे. अरे सब लोग चले गए क्या? अंजलि, बतुल, काव्या, सोहिनी, सार्थक, आर यू गाइस देयर? एग्जैक्टली सोहिनी, करेक्ट. दैट्स एपिडेमिक. ओके, दैट्स एपिडेमिक. तो दीज आर द पॉसिबल रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. हाउएवर देयर इज एब्सोल्युटली नो एविडेंस कि किस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ था. ओके, वी डू नॉट नो कि किस वजह से हुआ था. अलग अलग थियरीज है, रेकरिंग फ्लड्स, ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, डिक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ द साइल ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन, Occasional earthquakes might have been the cause of decline. Destruction of forts is mentioned in Rig Veda. Discovery of human skeleton huddled together at Mohenjo-daro indicates that the city was
invaded by foreigners. Okay, the Aryans had superior weapons as well as swift horses, which might have enabled to become masters of this region. Okay, so Indus Valley civilization. सब लोगों को समझ में आ गया है? Yes, Priyanshu, what is your doubt? Aryans had superior weapon. So, sir, there is no specific reason for the decline. No. These are all articulated theory. ये सिर्फ postulated theory है. किसी को भी पता नहीं है कि किस वजह से हुआ है. There are multiple reasons to it. Okay? समझ आ गया? Everybody? Is it clear with everybody? Anybody has any doubt in this session? On the basis of evidences or the basis of their thought process, अब देखो, for example, यहाँ पर दिया गया है, okay? Also the discovery of human skeletons, okay? Human skeletons huddled together, मतलब एक दूसरे को पकड़कर बैठे हुए भी mummies या फिर skeletons मिले गए हैं. Obviously वो डर के मारे वैसे बैठे होंगे. कोई फ्लड आया होगा या फिर किसी ने हमला कर दिया होगा. सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस. ओके, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस. ओके, चलो, तो दैट वाज ऑल. सर, शुड वी नो अबाउट द अदर डायनेस्टीज अराउंड द वर्ल्ड? नॉट नेसेसरीली, नॉट नेसेसरीली. जो इंडिया के रिलेटेड है वही आपको पता होना चाहिए एग्जाम स्पेसिफिक. अगर आपको पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी काफी मजेदार है. वर्ल्ड हिस्ट्री इज ऑल्सो एब्सोल्युटली अमेजिंग. ओके, इज दिस क्लियर? सब लोगों को ये चीज क्लियर है? चलो, इन दैट अगर वैसा है तो फिर Before we part ways, Iconic Cat subscription 2021, personal mentor, test analysis and reports, OMET preparation and all benefits of Plus are included. Get mentored by top graduates from B schools. Weekly scholarship test, जिसे हम Unacademy Combat कहते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा scholarship test है. Upcoming Sunday को दोपहर 12 बजे वो होगा. You can register it for absolutely free. You can win scholarships up to 55 lakh rupees. Okay, 55 lakh rupees तक scholarship जीत सकते हो. And you have to use the same code RUSHI Rushi, okay? RUSHI Rushi to unlock this test, okay? Unlock this test. So asking a doubt is also very easy now. आपको बस आपके application में जाकर click करना है ask a doubt feature पर. You can take a picture or choose from the gallery. Specifically highlight your doubt. Select the correct subject to which the question belongs. Or upload करो. This is the 24x7 feature. Okay, 24x7 feature hai. And that is absolutely for free. Okay, ye free mein hai. So check out this cool feature today, guys. Abhi ke abhi jaakar aap check out karo. So the 1 year subscription plan for Iconic goes for 30,000 rupees. This is going to go for 39,500 from 14th of April. So go for it today, guys. 2 years plan goes for 41,000 rupees. It is going 67,000 rupees. So do not forget to use this code RUSHI Rushi for a straight away 10% discount on your subscription. Okay. Thank you all for joining for the session. You guys have a wonderful evening ahead. I will see you on Friday directly. Please note, kal koi session nahi hoga. There will be no session tomorrow. I will see you directly on Friday. Till then, you guys take care of yourself. Let's crack it, guys. Bye-bye.